नमस्ते दोस्तों, मैंने लाइव देखी और लोगों की इंसानियत भी देखी। लोगों के अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, लोग अपने रिश्तेदार नाते वाले लोगों को कुचल रहे हैं, ना आगे आने देते ना आगे आने देंगे। दोस्तों, हर इंसान की एक ख्वाहिश रहती है, हर इंसान का एक सपना होता है कि अपने घर परिवार को अपन खुश रखे, लेकिन ये लोग होने नहीं देते गरीब ही रहे, वो अमीर ज़िंदगी में कभी ना हो जाए। दोस्तों, इसलिए मैं आप सभी को मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप ज़िंदगी में अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपना परिवार खुशहाल रखे, समृद्ध रखे, हर अपने परिवार की कोई इच्छा रहेगी वो पूरी करो, यही एक इंसानियत है। दोस्तों, मैंने सब देखा, ये सफ़ेद कपड़ा देखा, ये ऊपर का ये भी कपड़ा देखा, ये इज्जत है दोस्तों, लेकिन इससे ज़्यादा है ना, ये राजकारणी वालों लोगों का इज्जत है। इसका इज्जत कोई नहीं करता, ये सफ़ेद वालों का इज्जत करता, लेकिन ये सफ़ेद के अंदर अभी मेरे पास दिखाने के लिए काला कपड़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं दिखाता आपको, ये सफ़ेद के पीछे काले लोग हैं, ये काले लोगों को उनका लाइफ दिखाओ, उनका है ना, उनका जो सफ़ेद कपड़े के पीछे जो कालापन है ना, उनको साफ साफ दिखाओ। दोस्तों, इंसान अपनी इज्जत की ज़िंदगी हर इंसान जीना चाहता है, लेकिन ये सफ़ेद कपड़ा वाले जो राजकारणी है ना, वो उनको इज्जत की ज़िंदगी जीने नहीं देते। आज मैंने आपके पास ये मैं वीडियो पहुंचा रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा आखिरी भी वीडियो हो सकता है, इसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं बनाऊंगा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, मर्दा आरक्षण के प्रति भी लोगों के पास मैंने अच्छे अच्छे वीडियो भेज दिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे ऊपर बीती वो कोई सामने वाले के ऊपर नहीं बीतनी चाहिए, सामने वाला खुश रहे, चाहे मैं रोऊं, सामने वाला नहीं रोना चाहिए दोस्तों, नहीं रोना चाहिए, उसको इज्जत की ज़िंदगी उसके जीवन में आनी चाहिए दोस्तों। और मैं ये वीडियो आपके पास क्यों पहुंचा रहा हूँ दोस्तों, आपके पास मैं ये वीडियो क्यों भेज रहा हूँ, इसका भी आप सोचिए, आप मैं ये वीडियो आपके पास क्यों भेज रहा हूँ। दोस्तों, कोई लोग मुझे बुरा कमेंट भी करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके वजह से मेरी आँख खुल जाती है और मुझे समझ में आता है कि मेरा गलती कहाँ कहाँ हुई है, ये सब चीज़ मेरे समझ में आती है दोस्तों। लेकिन ये देखो, मैं अभी है ना ये दिखाता हूँ आपको, साफ साफ नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये है ना, ये पैसा है, सामने दिखाता हूँ, ये देखो, ये सामने पैसा है, मेरा वीडियो आपको उल्टा दिखेगा, ये देखो एक उल्टा दिखेगा, ये देखो ये पैसा है ना, इंसान को बुरा बना रहा है, ये अपने रिश्तेदार सगे संबंधी का दुश्मन हो रहा है, ये पैसा खून का प्यासा बन रहा है, पैसा खून की प्यासी बन रही है संपत्ति, ना कोई अपना परिवार वाला अपना है,
ये है ना, ये देखो पैसा ही अपना है। अभी देखो मेरे पास 500 का नोट होता ना, मैं आपको दिखा देता, लेकिन अभी देखता हूँ मेरे पास सही के 500 का नोट। हाँ भाई, 500 का नोट नहीं भाई, 50 का नोट है। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ भाई, ये मेरे पास 50 का नोट है। लेकिन है ना, जो 500 का नोट रहेगा, 1000 का तो बंद हो गया, मोदी साहब ने बंद कर दिया। लेकिन नहीं, मेरे पास 500 का नोट होता तो मैं दिखाता आपको, लेकिन नहीं, मेरे पास अभी 50 का ही नोट है। क्योंकि आप बोलेंगे यार भाई आप 500 नहीं 2000 का धंधा करो, 2000 का नोट अभी बंद नहीं हुआ, लेकिन दो हज़ार 3000 का धंधा करो, लेकिन नहीं होता यार। ओला उबर रैपिडो है ना, ये अपने पैसे से पैसा कटवाते हैं, इसलिए पैसा नहीं किसी को मिलता। दोस्तों, मैं अपनी रियल लाइफ में आपको जो सच्चाई बताना चाहता था वो तो भूल गई, और मेरे दिमाग से वो बात गई, क्योंकि मैं अपने को आपको ये वीडियो दिखाया, लेकिन ये मुझे वीडियो नहीं दिखाना था, रियल जो सच्चाई वो आपको बतानी है, बताना मैं चाहता था। दोस्तों, रियल लाइफ यही है। ये जो कपड़ा दिख रहा है ना आपको, ये सफ़ेद कपड़ा है, इसके पीछे है ना, ये सफ़ेद कपड़ा है ना, राजकारणी का कपड़ा है, लेकिन ये जो कपड़ा है ना, हमारे रिक्शा ड्राइवर का कपड़ा है, ये हमारी इज्जत है, इसमें से हमें पैसा मिलता है, इसमें से पैसा हमें कुछ भी नहीं मिलता, खाली है ना हमारा, हमने जो वीडियो आपके पास पहुंचाए, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, जिसने देखा उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई मुझे अच्छा कमेंट करता है, कोई मुझे बुरा कमेंट भी करता है दोस्तों, और जो बुरा कमेंट करते हैं उनको भी सलाम, जो बुरा कमेंट करते हैं उनको भी सलाम। दोस्तों, बुरा कमेंट करना भी कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि वो अपनी आँख खुलाता है, वो जिधर अपनी गलती है वो बताता है, उनका कोई गलती नहीं है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में, लाइफ में कभी भी जीना है, हर इंसान चाहता है इज्जत की ज़िंदगी जिए, हर इंसान चाहता है इज्जत की ज़िंदगी जिए, अपने परिवार को कुछ रखे, जो कुछ अपन पैसा मेहनत से कमाते हैं वो अपने परिवार के लिए ही अपन पैसा कमाते हैं, अपना परिवार खुश रहे, अपनी फैमिली खुश रहे, इसके लिए अपन सभी लोगों का परिश्रम, मेहनत, दिन रात का मेहनत करना अपने परिवार के लिए ही अपन सब लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। लेकिन ये सभी परिवार खुश रहने के लिए दोस्तों, ये राजकारण जो फिलहाल में जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है दोस्तों। सच्चाई का हमेशा साथ दीजिए, ईमानदारी का साथ दीजिए। जो आदमी ईमानदार है, ईमानदार है, सॉरी हाँ, मी आपल्याला मराठीत काय दोन शब्द तुमच्यापर्यंत पोचले असतील, क्षमा असावी। मित्रांनो, जो आदमी ईमानदारी है, ईमानदारी निभाता है, ईमानदारी संभालता है, उसका ही साथ दीजिए। बेईमान लोगों का साथ कभी ज़िंदगी में ना दे। जो बेईमान है वो बेईमानी का सहारा लेते हैं, लोगों को दिखाना सफ़ेद दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो बेईमानी है वो बंद कमरे में दिखाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, दिल में सच्चाई, मुंह में सच्चाई, कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में सच्चाई, लोगों का दर्द दुख पहचानने वाला, यही एक सच्चाई का प्रतीक है। जो लोगों का दुख दर्द हमदर्दी समझता है, वही एक सच्चा इंसान होता है, उसको ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान उसके पीछे हमेशा ज़िंदगी भर रहता है, उसको ही स्वर्ग मिलता है। जो गद्दारी करता है,
लोगों का दिशा भूल करता है, लोगों को अच्छी राह पे नहीं लेके जाता, बुरी राह पे लेके जाता है, वो गद्दार है। सच्चाई का हमेशा साथ दीजिए, बेईमानी का साथ ना दीजिए। दोस्तों मेरा है ना ये लास्ट वीडियो हो सकता है, मैं सच्चे दिल से आप सभी लोगों को कहता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल है ना, मैं अपना 23 जून 2023 को मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया और अभी तक मेरे सब्सक्राइबर हुए, अपना सब्सक्राइबर कितने हुए, 2000 के कुछ ऊपर गए हैं, 2070 के 80 के 90 कुछ मुझे मालूम नहीं, और मेरा वॉच टाइम 700 के लगभग गया। पिछले वीडियो में मैंने डाला था लेकिन उसमें सब्सक्राइबर कम भी थे, अभी बढ़ गए हैं, लेकिन अभी वॉच टाइम भी मेरा बढ़ गया है, 700 के लगभग हो गया। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, मेरे पास अभी ना देखो जून जून से हिसाब करो, जून 2023 में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी कितना 9 महीना हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 9 महीना हो गया। अभी 3 महीना खाली मेरे पास बचा है, मैं आपका साथ ये 3 महीने तक ही दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, मैं यूट्यूब चैनल मेरा पूरा बंद कर दूंगा, नहीं चाहिए मुझे बाबा ये यूट्यूब चैनल, मैं तंग आ गया, मेरे ऊपर कर्जा और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ना धड़ मेरा रिक्शे का धंधा हो रहा है और खाली मैं यूट्यूब चैनल पे मेरा यूट्यूब वीडियो डालते जा रहा हूँ, शॉर्ट मुझे एक ही डालना चाहिए, यूट्यूब वीडियो मेरा एक ही डालना चाहिए, लेकिन मैं ये वीडियो पे मेरा समझो व्यू नहीं आया, मुझे दूसरा वीडियो डालना पड़ रहा है, दूसरे वीडियो पे मेरा व्यू नहीं आ रहा है, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, और वीडियो डालता जाता हूँ और शॉर्ट में ये वीडियो पे मेरा शॉर्ट नहीं बढ़ रहा है, मैं दूसरा शॉर्ट डाल रहा हूँ, तीसरा शॉर्ट डाल रहा हूँ, चौथा शॉर्ट डाल रहा हूँ, पाँचवा शॉर्ट डाल रहा हूँ, छठवा शॉर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। दोस्तों आप बोलेंगे अरे बंद कर देना तेरा वीडियो चैनल, ऐसा बोलेंगे लोग, क्योंकि जो मेहनत का कदर करने वाले लोग अलग रहते हैं, जो अपना बैड सिचुएशन बैड सलाह देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कमेंट करने वाले भी, लेकिन सच्चाई जो दिल से सोचता है कि लेकिन भाई इसने बहुत मेहनत किया है, समझो 9 महीना 8 महीना उसने मेहनत किया है, उसने परिश्रम किया है, उसने उसका टाइम गवाया है, वो कदर करता है। जो कोई कदर नहीं करता ना, मैं उनकी साथ देता हूँ, जो कदर नहीं करता ना वो मेरे लिए भगवान है, जो मेरी वीडियो का जो कदर करते नहीं वही मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वो मुझे अच्छा सलाह देते हैं कि भाई आपका टाइम वेस्टेज जा रहा है तो ये सब बंद कर दो, और उनकी ही मैं बात मानूंगा दोस्तों, उनकी ही बात मानूंगा, क्योंकि वो मेरा अच्छा ख्याल रखते हैं, कि बोलते हैं भाई आप इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो आप ये वीडियो बनाना बंद कर दो, अपने परिवार पे ध्यान दे दो, अपना खुश रखे अपना परिवार, ना अपना कीमती समय इसमें बर्बाद करो, मैं लेकिन पीछे लगा हूँ इस पैसे के, मुझे ये पैसा कमाना है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, अमीरी मेरी लाइफ में कभी ज़िंदगी में आई नहीं, खाली हमेशा गरीबी ज़िंदगी में मेरी आई। ये देखो और मैं चिल्लर दिखाता हूँ, आप बोलेंगे मुझे चिल्लर दिखाता है, नहीं दिखाता हूँ यार, दिखाता हूँ मेरे अभी जेब से चिल्लर गई, अपने रिक्शा के एड्रेस से चिल्लर गई सब, अभी है क्या और मैं देखता हूँ, होगी नहीं, नहीं चिल्लर नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन ये नहीं देखो ये सब चिल्लर जो दिखा रहा हूँ ना, यही सच्ची हकीकत है, सच्ची हकीकत यही है दोस्तों। कभी कभी है ना किसी रिक्शा अपने भाई रिक्शा ड्राइवर से कोई मैं आजूली से भाड़ा कोई लेके आएगा ना, तो
कभी कभी जेब में ना सब जेब खाली करना पड़ता है घर में, क्योंकि इनकम कम रहता है, लेकिन सब पैसा है ना अपने घर वालों को देना पड़ता है। जब अपनी जेब में पैसा नहीं बचता है ना, तो किसी अपना रिक्शा ड्राइवर भाई को बोलना पड़ता है, भाई छुट्टा है क्या, 100 रुपये का 50 रुपये का छुट्टा है क्या, दे देना यार। वो बेचारा देता है, वो कदर करता है, वो हमारा भाई है, रिक्शा ड्राइवर हमारा ही भाई है। वो कभी 500 का भी रहेगा ना नोट तो भी छुट्टा देता है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं भाई, तुम क्यों छुट्टागिरी करते हो, तुम्हारे जेब में पैसा रखते जाओ ना यार, 100 500 1000 छुट्टा रखो। भाई नहीं ना रख पाते, क्योंकि उतना धंधा होता ही नहीं ना रिक्शा का, तो क्या करे यार, रिक्शा का धंधा होता ही नहीं तो क्या करे। कभी कभी छुट्टा 50 रुपये भी नहीं रहता, रखेगा छुट्टा अपनी जेब में तो भी यार क्या करेगा। घर में जब रात दिन मेहनत करेगा तो शाम को घर वाले बोलते हैं कितना पैसा कमा के लेके आया, कितना पैसा कमा के लेके आया, तो उसको हिसाब देना ज़रूरी है ना भाई। मैंने गैस डाला 300 का, किया 1000, 1000 नहीं 700 का 500 का ही धंधा होता है, उसमें से 300 रुपये मेरा गैस का गया, उसमें 200 रुपये बचता है, 200 रुपये घर में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और जो गैस भी भरा ना मैंने 300 का, वो भी घर में हिसाब देना पड़ता है, 500 रुपये 700 रुपये तो घर में देना चाहिए ना भाई। और कहाँ से लेके आएगा 500 रुपये, कहाँ से लेके आएगा, 300 रुपये गया गैस में, 200 रुपये बचा, 500 कहाँ से देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी भाई और बहनों को, आप लोग अमीर किसको बना रहे, राजकारणी लोगों को, अभी नेता लोगों को, अपना कीमती समय निकाल के उनका मूवीज देखते हो। अरे 200 का टिकट है, अरे हम लोग 700 1000 ब्लैक में टिकट लेंगे लेकिन उनका मूवी देखेंगे, लेकिन रियल जो वीडियो है ना वो देखेंगे नहीं, रियल वीडियो वो नहीं देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जिन लोगों को है ना अभी न्याय देने का समय आ गया है, जो सच्चा इंसान है, जो सच्चा मेहनत करता है, वो है मराठा। मराठा लोगों को साथ दे दो, जो अभी है ना लोगों मराठा लोगों की आँख खुल गई है, वो लोग सोचते हैं किसको अमीर बनाना, किसको गरीब बनाना, ये सब अभी मराठा लोगों की आँखें खुल गई है। मराठा लोग यही सोचते हैं कि ईमानदार लोगों को ही साथ दे दो, भ्रष्टाचार बेईमान लोगों को साथ मत दे दो। उन्होंने अभी तक राज किया, बेईमान उन्होंने ये भारत देश पे, महाराष्ट्र देश पे राज किया, अभी बेईमान लोगों का घर पे बैठने का समय आ गया है, उनको घर पे बिठाओ, घर पे बिठाओ उन लोगों को। अभी अपन लोग न्याय मांगने के लिए जाएगा मराठा समाज, तो ऊपर लोग किसके, आप ही सोचो, जो पहले पुराने लोग हैं ना ओहदे पे है वो लोग, अपन लोगों का कहाँ चलने वाला है। और लोग बोलते हैं अरे उनके तो राजकारणी बहुत सारे हैं, उन्होंने कारखाने बनाए, उन्होंने बड़ा प्रॉपर्टी बनाया, बहुत अमीर लोग बन गए वो लोग। अरे उन लोगों की तुलना मत करो दोस्तों, हम साले रिक्शा ड्राइवर हैं, हम लोग अमीर नहीं हैं भाई, नहीं हैं। मैंने चिल्लर आपको दिखाया, हमारा यही सच्चाई है, जो जिन्होंने कारखाने बनाए ये सफ़ेद वाले हैं, हमारे जैसे ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है, ये रिक्शा ड्राइवर नहीं है, वो लोग अमीर है, करोड़पति है, उनका 1000 पीढ़ी 10 पीढ़ी बैठ के खाने वाला है, ऐसा उन्होंने गड़गंज संपत्ति बनाया है, हमारे जैसे सर्वसामान्य लोग नहीं है भाई, नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ दोस्तों कि गरीबों का साथ दो, जिनको दो वक्त का खाना नहीं मिलता उनको साथ दे दो। ये देखो अभी देखो मेरा एक मेरे पास 1 रुपया बचा है,
मेरे सीट पे था 1 रुपया, ये देखो 1-1 रुपया जमा करने वाले हम लोग, इसलिए हमारा है ना गरीब का साथ दे दो, क्योंकि 2 वक्त का रोटी है ना हमारे परिवार को अच्छी तरह से समाधानी, मैं तो मराठी तुमच्याशी बोलतो, समाधानानं आणि इज्जतीनं 2 घास त्यांना सुखाचे खाऊ द्या आणि त्यांच्या मुखात जाऊ द्या। कशाला तुम्ही ह्या मराठा समाजाची परीक्षा घेताय कशासाठी? अरे तुम्ही तुमची घरं भरली, तुम्ही करोडपती झालात, मराठा समाज रोडवरती आला आहे आणि त्याची कदर कोणीही करत नाही आहे भावांनो। तुम्ही मराठा समाजाला